दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह हैदराबाद की सरजमी से INCTV पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन आंकड़ों की जुबानी मोदी सरकार के करतूतों की कहानी बयां की गई। अपने संबोधन भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंकड़ों के साथ मोदी सरकार की नीति और नीयत का पर्दाफाश किया। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए श्री खड़गे ने कहा कि पिछले 5 सालों में एक साधारण थाली की कीमत 65% बढ़ गई, 74 लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, वहीं दाल की कीमत पिछले 1 साल में 37% तक बढ़ गई है। देश में अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के सबसे अमीर 1% लोगों के कब्जे में देश की 40% दौलत है, वहीं हाशिए पर खड़ी 50% जनता के पास सिर्फ 3% दौलत है। अपने करीबी उद्योगपतियों को सरकार किस तरह बचा रही है, इसका जिक्र करते हुए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के करीबी कारोबारी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का शेल कंपनियों द्वारा निवेश हुआ है। इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने पर भी मोदी सरकार इस मामले की जांच नहीं करा पा रही है। 2021 जनगणना की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि 2021 का सेंसस न कराने से 14 करोड़ लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट से और करीब 18% लोग मनरेगा से बाहर हो गए हैं। सरकार की नारेबाजी वाली फितरत पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी विपक्षी दल आम जनता से जुड़े बुनियादी मसलों को उठाते हैं तो सरकार जवाब देने की जगह नए नए हथकंडे अपनाते हुए नए नारे देती है। आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, न्यू इंडिया 2022, अमृतकाल जैसे नारे। फिलहाल सरकार थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी का सपना बेच रही है। G20 के आयोजन को लेकर सरकार जिस तरह से वाहवाही लूटने में लगी हुई है उस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रोटेशन से होने वाली G20 बैठक पर दिल्ली में 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ और रोटेशन में अब G20 की लीडरशिप ब्राजील को मिल गई है। अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण का खास तौर पर जिक्र किया जो पंडित नेहरू ने AICC के 1953 के हैदराबाद महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि यद्यपि हमारे पास न कोई बड़ी फौजी ताकत है और न आर्थिक या माली ताकत अच्छी है, फिर भी कौमों की पंचायत में इस देश की इज्जत रोज बरोज बढ़ रही है। आज़ादी हासिल हुए 5 साल हुए हैं पर इतने थोड़े से समय में हिंदुस्तान ने बड़ी इज्जत हासिल की है, जिसके साथ ही इस पर नई जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इतिहास में शायद ही इसकी कोई मिसाल हो कि किसी देश ने आज़ाद होने के 5 साल के अंदर ही ऐसा महत्व हासिल किया हो। अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस अंदाज में तर्कों और तथ्यों के साथ मोदी सरकार की आर्थिक नीति और नीयत का पर्दाफाश किया है, वो संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।